क्या दोस्तों, इतिहास में पहली बार कपल्स के रणदीप रोनो को लेकर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है और आज अदालत में इस केस की पहली सुनवाई है। हम चलते हैं एडवोकेट लीलू जी के पास। एडवोकेट लीलू जी, प्यार के मामले में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आजकल धोखेबाजी की महफिल में कहां सच्चे प्यार के कमल खिले, और देखिए मोहब्बत की महफिल में कामयाब वही है जो सीधा लंड से गजल लिखे है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा इन वकील साहब में कितनी गर्मा गर्मी है। आइए चलते हैं गर्लफ्रेंड पक्ष के पास। तो वकील साहब, इस मामले में आपके क्या विचार है? देखिए, वो छोड़ के गया मेरे क्लाइंट को, उसका दिल भी गया टूट, और उसे इंसाफ मैं दिलाऊंगा और प्यार मोहब्बत की तो माँ की चूत। चल चल। वकील साहब, ये दूसरे वाला वकील तो पूरी फॉर्म में है। अरे घबरा को रहा है, साला वकील को यो जज को यो, अदालत तेरे भाई की है। अथवा तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा इन वकील साहब में उनसे भी ज्यादा गर्मा गर्मी है। तो अब असली पता चलेगा कोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ धागा पेल न्यूज, कर दे चूतर चोड़े, और अब असली पता जब ही चलेगा किसके लगेंगे लोड़े। अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। Naughty America. Nobody. 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 Does it better. हाँ, तो अदालत की आज की कार्यवाही। ओ बेट चोर, काम ही कर ले हैं? भी अब घर जाकर देख लिए, मान जा। ये नहीं देख रहा है वो, देख रहा HD में है। सुन, जिंक्सन करिए बाद में, व्हाट्सएप कर दे। हाँ तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोर, किसी महापुरुष ने कहा था कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पर आजकल के झटूलने से बालकों ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रखा है। मतलब मोहब्बत में बेवफाई और बिस्तर पर चुदाई आजकल का फैशन सा बन चुका है। ऑब्जेक्शन मिलोर, मेरे काबिल दोस्त भूल रहे हैं कि ये मोहब्बत का खेल है, यहाँ धोखा और मौका दोनों मिलते हैं, बस खिलाड़ी दमदार चाहिए। मिलोर, ये जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो प्यार निभाने का इरादा कम, चुदाई की तमन्ना ज्यादा रखते हैं। ओ ओ ओ, ओ बैठ चुप, तंदुरुना जज को छूते मान रहे हैं? ये छोटा हथौड़ा रखा तो छूते मान रहे हैं? चुप, मैं बिठा रहा हूं, गांडी फाड़ दूंगा। सीधे सीधे मुद्दे बात करो, दोनों का दोनों। हाँ भाई, दोनों पार्टी पूरा फटाफट। फलाना ढिमक्का हाजिर हो। फलाना ढिमक्का कौन है? आदमी झूमे तो बुला सबको। हाल तो मत ना बोल रहे, बनाऊंगा जज का चुदा। मैं बकचोदी की दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ लीलू पुराण की कसम खा के कहता हूँ कि जो बकूंगा बकचोदी बकूंगा, बकचोदी के अलावा कुछ नहीं बकूंगा। जज साहब, जो इसने कही वही मेरा। सेम टू यू। हाँ तो मोहतरमा, आप ही बताइए, आप इसे शुरू करते हैं। आपको अपने बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आखिर? जज साहब, क्या बताऊँ, ये मुझ पे बात बात पे शक करता है, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। ये क्या ट्रस्ट नहीं करता? जज साहब, इसके 32 खूंखार दत्तों के बीच में मैं अपनी नन्ही सी जान रख दूं, और यो कैरी ट्रस्ट नहीं करता। देखे देखे देखे, आप दोनों से गुजारिश की जाती है कि बिल्कुल भी झगड़ा ना करें अदालत के सामने, ठीक है? अदालत को अपना काम करने दीजिए, आप दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा बोलने का, ठीक है? तो महोदय, आप बताइए, आपको इन मोहतरमा से क्या दिक्कत है? ये तो काफी सुंदर सुशील लग रही हैं, एकदम चांद सा चेहरा है इनका। चांद जैसी? समझा भाई। अरे जज साहब, जिनके चेहरे चांद जैसे,
नखरे भी उनके राण जैसे। बिल्कुल सही बात है, इनका वही हाल है कि साला छेद एक और नाटक अनेक। देखिए वकील साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ मैं कि इन्हें बोलने दीजिए, इनके साथ दिक्कत है ये बताएंगे, ठीक है? आप बीच में ज्ञान मत चोदिए, ठीक है? हाँ तो महोदय आप बताइए आपको दिक्कत क्या है? और तो क्या जज साहब, हम बचपन से आज तक गुड़ की डली चाट चाट के बड़े हुए, और इसे 350 वाला चॉकलेट वाला गुड़ अकेले को चाहिए, और घर पे सुखे टिक्कर पे सब्जी धर के खाने वाली बॉयफ्रेंड की गैल बर्गर पिज्जा से नीचे बात नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जस्ता मेरे क्लाइंट ने, इनकी इन लड़कियों की ऐसी सही फरमाइशों की वजह से हर बॉयफ्रेंड का दिल चलता है। अरे कोई इन साले से पूछो तो सही, साला पैसे का बॉयफ्रेंड के लंड पे लगता है। अच्छा मतलब क्या कहना चाह रहा तू, नमक लगे ना फटकी, बस फेर के मान लो इसकी गर्लफ्रेंड चाहिए जस्ता भी ने, पर पैसा खर्च का हो गया। ऑर्डर ऑर्डर, अरे मत चुदान दे तुम्हारा ऑर्डर, मतलब चॉकलेट देता तो गांड फटे और चाहिए चूत चोकोबार। हाँ देवी जी शांत शांत हो जाइए, हम पूछ रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं इस बात की। हाँ तो वकील साहब आप बताइए, आपके क्लाइंट पर आरोप है कि ये सारा झगड़ा चूत चोकोबार का है, मतलब लेने देने के ऊपर है, तो आप एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। हाँ जैसा लेने देने की सुनो, हम बताओगे। देखिए जब से ये ओयो रूम से आए इन लोंडाओं को बेहद राम चल रही है। अरे जो लोग एक छप्पर तीन टप्पर में दे भगे थी उन्हें भी बेहद एसी में चूदने का सोच रहा है, बताओ। और तो और जज साहब, इनका यो शौक भी पूरा करते हैं, मैंने कम से कम खुद 50 बेर ओयो रूम बुक करा, पर उसमें से इनने मुझे कम से कम 48 बार दी नहीं। क्या मतलब अगली ने 50 बार ओयो में जाने के बावजूद भी 48 बार दी भी नहीं? ये तो सरासर साला गुड़ दिखाकर डड़ा मारने वाली बात होगी भाई। इस बहन की बड़ी क्या सोर गवाल है। अच्छा जस साहब आप मुझे एक बात बताओ, प्यार में सेक्स जरूरी होता है क्या? अरे प्यार तो रोज से भी हो सकता है। मैडम ऑल इंडिया बॉयफ्रेंड अधिकार अधिनियम के तहत सेक्स एक तरह का टैक्स होता है जो बॉयफ्रेंड को दी जाने वाली टेंशन और सिर दर्द के बदले गर्लफ्रेंड पर लगाया जाता है, तो ये तो बहुत जरूरी होता है। जस साहब सच बात तो ये है, ये लड़कियां इन बॉयफ्रेंड के लड़के इमोशन कभी समझ ही नहीं सकती। ऑब्जेक्शन मिलोर, लड़के इमोशन? जस साहब ऐसी बातों से ये आपकी कान में घुसकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साले ढोर, ये लोग की डिग्री दे किसने दी जो कि यही नहीं पता कि लड़के जज्बात हो या नहीं होते है? क्या लंड रोता नहीं है? क्या ये कभी उदास नहीं होता है? क्या कभी ये लड़कियों के सम्मान में खड़ा नहीं होता? क्या बड़ी से बड़ी चोट सहकर भी क्या ये झुक नहीं जाता? अरे और तो और अपनी चड्डी के अंदर झांक कर देख दरिंदे, ये नन्ना सा परिंदा मुस्कुराता भी है। अब नहीं यकीन आता तो आज तक घूम के यहां बैठकर देख देख। जज साहब ये कुछ भी भोग के जाओ, पर सारी दुनिया को पता है ये लड़के बेवफा होते हैं, बेवफा। ऑब्जेक्शन मिलोर, मोहब्बत दो लोगों के बीच का एक अजीब सा नशा है, और जिस बहन के लवड़े को या किसी बहन के लवड़े को पहले कला जा बस वही बेवफा है। देखिए अदालत को दिए गए सभी सबूत और दलीलों के आधार पर हम कोई फैसला अभी नहीं ले सकते, इसलिए अदालत को 3 दिन बाद की नई तारीख दी जाती है। तारीख? जैसा आप भी तारीख दे रहे हैं? अरे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी गई जैसा, मगर इस बहन की लड़ी ने आज तक दी नहीं। अरे मोहब्बत की इन दलियों ने अपनी एक छोटी सी चीज को बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया मिलोट, ये दो तारीखों के बीच बॉयफ्रेंड को चूतिया बनाकर डोमिनोर मैटी ने मोहब्बत का धंधा कर दिया मिलोट, धंधा। अरे वैलेंटाइन डे पर इन्हें गुलाब चॉकलेट और भालू देने के लिए लड़कों ने अपने डंगर ढोर तक बेच दिए, और इन्हें मिलती तो है क्या सिर्फ तारीख। अरे महीनों सालों इनकी गली के चक्कर काटते काटते बॉयफ्रेंड एक दिन खुद बन जाता है तारीख, और उसे मिलती है तो सिर्फ तारीख। जैसा ये केस दुनिया के सारे सताए हुए बॉयफ्रेंड का है, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो फाड़ कर फेंक दीजिए कानूनी किताबें, फाड़ कर फेंक दीजिए कटघरे, और तोड़ के गांड में दे लीजिए हथौड़ा।
ताकि इन तारीखों के चक्कर में कोई राशि तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। तमाम बकचोदों और बकचोदियों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सारी फसाद की जड़ जो इंडिया खड़ी मिस एंजल लपक लंडी है, इन्होंने टाइम पर नहीं दी, इसलिए धारा 114 और 714 के तहत इस बहन की लवड़ी को गबू जवान लमड़े को हफ्ते में 3 बार देनी होगी। और इस बात का पुलिस ध्यान रखे कि उल्टी लगोए दस्त चुदाई होनी चाहिए जबरदस्त। देखो उठी झंड कैमरा चालू है। हाँ। सर 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 सर, आज के ऐतिहासिक फैसले के बाद आप देश के युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो देश के युवाओं से एक ही बात कहेंगे कि जो गर्लफ्रेंड ना दे उससे कभी फरियाद ना कर, क्योंकि जिसे लेना है वो लेकर रहेगी। तू खामखा अपनी जवानी बर्बाद ना कर। अरे बिक चुकी है अदालत, अदालत में कुछ नहीं धरा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए वकील साहब, ये अदालत की तोहिन है। अरे अदालत की माँ की चूत। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ धका पेल न्यूज, कर दे चूतर चोड़े। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और यार बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उन्हें हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो यार बेस्ट है कि आप लोग एक बार चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है नहीं, और साथ में उसके बेल आइकन और होगा उसे दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, तो आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और यार ऐसे ही प्यार बनाए रखें। लव यू।